यार एट बुर्ज अल अरब मेरे पीछे ओनली 7 स्टार इन द वर्ल्ड मेरे पीछे पाम जुमेरा और एटलांटिस जिसकी हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग भी हुई थी यहाँ पे और काफ़ी सही है। अभी कुछ खाएंगे और फिर वापस हमें बस पे जाना है 20 मिनट के अंदर। गाइस वेलकम टू द न्यू व्लॉग एंड टुडे आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा आई एम गोइंग टू दुबई एंड राइट नाउ आई एम एट मैनचेस्टर एयरपोर्ट। यहाँ पे टाइम हो रहा है 5 PM और मेरी फ्लाइट है रात को 8:40 की। तो बहुत मज़ा आने वाला है, पूरी वीडियो देखना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मुझे जाना है टर्मिनल 1 और व्यू देखो यार कितना सही लग रहा है। बाहर बारिश हो रही है, आज पूरे दिन से ही बारिश हो रही थी। तो चलते हैं अभी टर्मिनल 1 पे। सो दिस इज़ द सिक्योरिटी चेक एरिया फॉर ऑल द एयरलाइंस। मेरी है एमिरेट्स जो कि यहाँ पे, ये एमिरेट्स की है, मेरी वाली है 48 से लेके 59 काउंटर्स तक। सो अब लाइन में लगते हैं और करवाते हैं अपना चेक इन। सो गाइस डन विद द सिक्योरिटी एंड ऑल दैट स्टफ। इट टुक मी 45 मिनट्स और अब मेरे पास टाइम है 2 घंटे, 2.5 घंटे से ज़्यादा है और अब बस कुछ खाऊंगा पहले। सैंडविच और कॉफ़ी ले ली, अभी बस खाऊंगा। अब समझ नहीं आ रहा कि 3 घंटे मैं क्या करूँ यहाँ पे। अब या तो नेटफ्लिक्स पे कुछ देखना पड़ेगा या फिर एडिटिंग वगैरह कर लूँगा, पहले की कुछ वीडियोस रह रही है मेरी। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट सही है, मज़ा आ रहा है। और मेरी जो फ्लाइट है वो 7.5 घंटे की है और एमिरेट्स से मेरा फर्स्ट टाइम है, सो इट विल बी फन। लेट्स सी हाउ इट गोस। स्टिल 1 आवर लेफ्ट, हो जाएगा जल्दी। बोर्डिंग स्टार्ट होगी 7:20 पे। बस चेक इन हो गया, विद इन 20-30 मिनट्स बोर्ड कर जाएंगे और डिपार्चर है 8:40 का, तो मेरे 3 घंटे निकल चुके हैं अच्छे से। सो गाइस 4 आवर्स ऑफ फ्लाइट लेफ्ट। अभी खाना खा लिया, कॉफ़ी पी ली, वॉशरूम में आया था और यहाँ पर बस छोटा सा होता है। लैंडेड इन दुबई एंड फीलिंग रियली नाइस। अब बैग कलेक्ट करने जा रहा हूँ मैं। 7.5 घंटे की फ़्लाइट थी, थोड़ा सा डिले हो गया था 15-20 मिनट, बट सही है अब अच्छे से। और यहाँ पे टेम्परेचर है 32 डिग्री, सीधा 7 डिग्री से 32 डिग्रीज। देखते हैं अब, चलो बैग कलेक्ट करते हैं फिर आपको बताता हूँ सारी। और एक और चीज़ मेरे को बतानी थी, जो ये टर्मिनल 3 है दुबई का, ये सिर्फ एमिरेट्स के लिए बना रखा है। सारी फ़्लाइट जितनी भी एमिरेट्स की है सिर्फ यहाँ पर आती है और पूरा टर्मिनल एमिरेट्स का। 1.25 किलोमीटर हो गया मुझे चलते और अभी भी आगे बस जाते ही जा रहे हैं, बट यूके में रह के ये आदत होगी सच बता रहा हूँ।
सो गाइस ये है इमिग्रेशन और बहुत जल्दी हो रहा है, मतलब शायद से 20-30 सेकंड में कंप्लीट कर रहे हैं, इतने सारे काउंटर्स हैं। सो फाइनली बैग भी मिल गया। इतना टाइम लगता है ना, मतलब कभी भी मेरा ऐसा नहीं होता कि पहली बार में आ जाए, हमेशा 15-18 मिनट वेट करना ही पड़ता है। और भाई ये टर्मिनल 3 बहुत सही बना रखा है दुबई वालों ने, काफ़ी बड़ा है। मतलब इनके ये बैग कलेक्शन की कम से कम 14-15 वो हैं लेन्स हैं, और सारी एमिरेट्स की फ़्लाइट। दिन में पता नहीं कितनी फ़्लाइट आती है एमिरेट्स की ओवरऑल, बट सही है। अब पेरेंट्स से बात होगी। हाँ मैंने ये बताया नहीं कि मैं आया इसलिए था कि मेरे पेरेंट्स दुबई आए थे, उनकी एनिवर्सरी थी, तो फिर मेरे को यूके से आना था, तो मिलने के लिए प्लान बना लिया कि मैं यहाँ से यूके से आ जाऊँगा। वो इंडिया से आ गए थे, तो वो मतलब कल ही पहुँच गए थे यहाँ पे, और मेरी क्लासेस थी, तो फिर मैंने बोला कि मैं अगले दिन ज्वाइन करूँगा। अब बस बाहर एग्जिट करूँगा, देखता हूँ अब मेट्रो लूँगा या फिर टैक्सी लूँगा डायरेक्ट होटल के लिए, और चलते हैं दुबई में। लेट्स गो हबीबी, फाइनली वी आर इन दुबई। दो मिनट लेट होता तो ये बस चली गई थी बिल्कुल सीरियसली। अभी हम गोल्ड सुख के आए हैं और पीछे इन्फिनिटी पुल देखा था जो अभी रिसेंटली नया बना है, और बाकी मेरी बहन साथ में बैठी है और मम्मी पापा आके बैठे हैं। Currently we are in the center of the gold souk, ladies and gentlemen. People can find here Arabian design, Persian design, even the Indian jewelry shops are available in this market. So guys, first stop तो हमारा ये यहाँ पे mosque है, मेरे को नाम नहीं पता, मैं mention कर दूँगा, but ये अभी देख लिया। पहले हम old city में थे, old Dubai में, अब new Dubai की तरफ जा रहे हैं और अच्छा लग रहा है। So far so good. वी आर एट बुर्ज अल अरब, मेरे पीछे ओनली 7-star इन द वर्ल्ड। धूप ज़्यादा है, गर्मी हो रही है, और मैं एयरपोर्ट से सीधा जब से ये जर्सी पहन रखी है, मतलब 2 मिनट का भी टाइम नहीं था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है सीरियसली। और ये यहाँ पे दुबई का विंटर्स है अभी नवंबर में, क्योंकि गर्मी में यहाँ पे 48 degrees, 50 degrees ऐसा हाल होता है, बट ठीक है अब जैसा भी है घूम रहे हैं अच्छे से, इंजॉय कर रहे हैं, वाइब अलग है दुबई की। तो चलो चलते हैं बस में और अगले स्पॉट पर आपको मिलता हूँ। But I know it's not true. I wanna put up all my walls 'cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all. So guys, हमारी ये लोकेशन भी कवर होगी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे पीछे पाम जुमेरा और एटलांटिस, जिसकी हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग भी हुई थी यहाँ पे, और काफ़ी सही है। अभी कुछ खाएंगे और फिर वापस हमें बस पे जाना है 20 मिनट के अंदर। So guys, right now I am in the world's largest mall, Dubai Mall, and पहले हमें बुर्ज खलीफा पे ऊपर जाना है। 2:20 की हमारी टाइमिंग है, we'll first go for that,
एंड उसके बाद वापस दुबई मॉल आएंगे और सारा एक्सप्लोर करेंगे। मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना यार, क्योंकि जब से हम यूँ देखते थे कि भाई रील्स वगैरह में देख रहे हैं और बाहर वीडियोस यूट्यूब वगैरह वीडियो, और ख़ुद जब यहाँ पे ऐसे ही में आ रहे हैं ना, तो मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे ड्रीम कम ट्रू टाइप ऑफ चीज़ है। और अंदर सारा एयर कंडीशनड है, तो मैं सारी फ़ोटोज़ मेरी इसे ब्लैक जर्सी में होगी थी और मैं कुछ कर नहीं सकता था। मतलब मैं मैनचेस्टर से आया तो सिर्फ एक ही मेरे पास यही कपड़े थे जो मैं पहन के आया था, तो फिर और कुछ कर नहीं सकता था। तो ये जैकेट पहन ली मैंने, थोड़ा फ़ोटोज़ अच्छी आ जाएगी। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, मज़े आ रहे हैं। अभी आपको दुबई बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर पर लेके जाऊँ, टॉप नहीं 129th फ्लोर पर लेके जाऊँगा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइस, फॉर बुर्ज खलीफा देयर इज़ अ लाइन नाउ, वी हैव टू वेट फॉर 10 to 15 minutes आई गेस। आफ्टर गोइंग इनसाइड वील गेट द टिकट, सो आई शो यू। कुछ भी खाया नहीं यार, भूख लग रही है, बट टाइम हो गया था बुर्ज खलीफा, तो डिसाइड किया पहले बुर्ज खलीफा दिखाते हैं, उसके बाद खाना वगैरह देख लेंगे। डन विद द टिकट काउंटर्स एंड वी हैव गॉट अ टिकट फॉर बुर्ज खलीफा एंड नाउ वी जस्ट नीड टू चेक इन एंड आई गेस देर विल बी अ लिफ्ट फ्रॉम इनसाइड एंड वील गो अप। गाइस फाइनली दैट मोमेंट इज कमिंग। हाँ, कितने टाइम से वेट कर रहे थे। आर यू एक्साइटेड? वेरी मच। फाइनली वी आर गोइंग। Wait a thousand days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see. When I could hardly walk on my own, I had to lift myself out of the trench below. ये देख रहे हो फ्लोर कितनी जल्दी जल्दी जा रहे हैं। काफी रश हो गया है यहाँ पे, बहुत अच्छा रहे जब से फोटोज और वीडियोज ही बना रहे हैं। गाइस ये देखो अभी ऊपर कितना हो रहा है। अभी एक ये अंदर वाले एरिया में आया हूँ, यहाँ का व्यू देखो कितना सही लग रहा है। और मॉडर्न दुबई जो नया दुबई है, न्यू सिटी, उसका व्यू है यहाँ से। और पाम जुमेरा वगैरह और जो नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं दुबई के, वो भी इसमें दिख रहे हैं, तो काफ़ी सही लग रहा है। मैं दिखा देता हूँ, वो देखो ये बुर्ज खलीफा है और इसके आगे पाम जुमेरा है। और यहाँ पे फोटोज़ भी हो रहे हैं, जैसे ग्रीन स्क्रीन है ना, यहाँ पे आप फोटो खिंचवाओगे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी उसकी फोटोकॉपी, बट थोड़े महंगे हैं, 250 दिरहम की एक फ़ोटो है। और सारी कलेक्शंस हैं इनके पास, है कितने अच्छे, पूरा मर्चेंडाइज भी है और परफ्यूम्स भी हैं, सब कुछ है। तो गाइस हमने कुछ एक घंटा स्पेंड कर लिया होगा, वापस आ रहे हैं और पूरी भीड़ हो रखी है, जैसे नीचे आने में भी भीड़ हो रही थी तो अब जाने में भी। आगे हम ऊपर से नीचे और अभी फूड कोर्ट में खाना खाएंगे, काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। मेरे पीछे है फाउंटेन, वन ऑफ द फेमस स्पॉट इन दिस दुबई मॉल। मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि हमने पूरा मॉल कवर भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ, मतलब हमने मुश्किल से 15-20% देखा होगा और मेरे पैर दुख चुके हैं। और हम उस पर एप्पल स्टोर पे भी गए, आईफोन 14 अवेलेबल नहीं है 5 वीक्स तक, 14 प्रो के लिए पूछने गए बट वो मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली। बट कोई नहीं, सारा अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया, मज़े आ रहे हैं। अब हम देखेंगे बाहर फाउंटेन शो, बस मुझे ये डर है कि वो मिस ना हो गया हो, क्योंकि रात को वो चीज़ अलग ही दिखती है। बाहर का सीन नाइट में आपको दिखाता हूँ। Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move.
if I think of you and I came here to party. I'm not gonna lie. So call up somebody, cause I ain't got the time. Nah, I'm feeling myself in the